हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपां बनावांगे जी तोरी दी सब्जी। ये देखो आपां ने 1 किलो तोरी ले ली है। पहला आपां इसनू छिल लांगे, फिर धो लांगे, ते फिर आपां इसनू कटिंग कर लांगे। ते आपां ने 3 प्याज ले हैं, इन्हां नू आपां ने लंबा लंबा कट लिया। उस तो बाद आपां ने 2 टमाटर, 2 क्यूब्स लईयां है लसन ते अदरक दी, हरी मिर्च ते अपने सुके मसाले। हुण आपां पहलां सब तो पहलां पावांगे कड़ाही दे विच सरों दा तेल। सरों दे तेल दे विच सुकी सब्जी बहुत ज़्यादा स्वाद बन जांदी है। तेल आपां ने रख दिया ते हुण आपां इसनूं गर्म होण दिंदे हैं। तेल अपना गर्म हो चुका है जी, एन चंगी तरह गर्म सीगा। इस दे विच आपां ने पा लिया जीरा, हिंग ते आपां ने पाई है जी सरसों। हल्का जिहा आपां ने इन्हां नूं भुन लेना। तो इस दे विच आपां पा देंगे जो आपां ने कटिंग करके रखे हुए सीगे प्याज, वो पाते ते थोड़े जिहे आपां इन्हां नूं भुन्न देंगे। वैसे तो बच्चे तोरी दी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैगे, पर जे तुसी इस तरीके नाल बनाओगे तोरी दी सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। वीडियो नू अंत तक देखियो जरूर। प्याज अपने हल्के जे भुज गए हैगे। देखो प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए। हुण आपां इस दे विच जिहड़ी क्यूब सीगी अदरक लहसुण दी उह पा देंगे। तुसीं इत्थे फ्रैश भी पा सकदे हो अदरक लहसुण। देखो प्याज अदरक लहसुन अपना भुज चुके हैं। तो हुण आपां इस च पाउंगे सुके मसाले, धनिया पाउडर, नमक, मेथी, हल्दी ते देगी मिर्च। ये तुसी अपने स्वाद अनुसार पा सकते हैं। सुके मसाले आपां ने पा ले ते आपां हुण इन्हां नूं हल्का जिहा भुन लैंदे हैं। सब्जी दी यही ट्रिक हुंदी है, जेकर आपां मसालियां नूं चंगी तरह भुन लैंदे हैं तां इक तां उहनां दा कच्चापन दूर हो जांदा है ते सब्जी भी बहुत टेस्टी बन जांदी है, कलर भी बहुत वधिया आ जांदा है। मसाले हेठां ना लगन ते जलन ना, आपां थोड़ा जिहा पानी पाते इस दे विच।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਓਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਦਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਘੀ ਛੱਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਧੋ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਫੇਰਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ, ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ये देखो सब्जी अपनी बिल्कुल तैयार है। अगर तुसी बिना दुध तो सब्जी खानी है तो ये बिल्कुल तैयार है इस टाइम, पर आप इसनों दुध वाली बनावांगे। मैं इत्थे 1 किलो तोरी दे विच अद्धा किलो दुध पाता। कि सानू थोड़ी जी लिक्विड ही पसंद है ये। हुण इहनू ढक दिंदे आ सब्जी नू ते इक उबाल आउण दी वेट करदे आ। देखो ये सब्जी अपनी इको वाला आ चुकी है ते कलर किन्ना वधिया इहदा। ते ये सब्जी यही जी ये बन चुकी है कि हर एक नू पसंद आऊगी, ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा गाढ़ी है। जे तुसी दुध दी जगह मलाई पाना चाहते हैं तो मलाई भी पा सकते हैं। आप इत्थे गर्म मसाला पा देंगे सब्जी के बीच। धनिया कट के रखे हुआ सीगा वो भी अपन बिच पा देंगे। हाँ सब्जी अपनी बिल्कुल तैयार है जी। हम आप बाउल दे विच कर लेंगे हैं सर्व। देखो कितनी वधिया सब्जी का कलर आ गया ते खाने च भी बहुत स्वाद है। हम इस हल्का जा धनिया पा देंगे हैं। जेकर थोनू ये मेरी डिश वधिया लगे तो मेरे चैनल नू लाइक शेयर एंड मेरे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो जी। सत श्री अकाल।